जय श्री राम, जय बजरंग। अपने नेता और मुखिया जितिन प्रसाद के भाजपा में जाते ही कोठी का रंग बदल गया। कांग्रेसी रंग में पिछले कई दशकों से डूबी कोठी आज भगवा रंग में रंगी नजर आई। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो कि कांग्रेसी रीढ़ कहे जाते थे, उन्होंने अपनी गाड़ियों से कांग्रेस के झंडे उतारकर भाजपा के झंडे लगा दिए और उन्होंने कहा कि उनकी निष्ठा एवं श्रद्धा जतिन के प्रति है। जतिन जहां जाएंगे वहीं वह भी जाएंगे। शाहजहांपुर की पहचान अगर काकोरी कांड के अमर शहीदों के नाम से होती है तो एक पहचान प्रधानमंत्री के सलाहकार रह चुके स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद के रूप में भी की जाती है। इस पहचान के तहत ही राजनीति में कहीं भी कोई भी फेरबदल हुआ हो, लेकिन कोठी हमेशा कांग्रेस में ही रही। शुरू से अब तक कांग्रेस के रंग में रंगे कांग्रेसियों को आज अपने नेता जतिन प्रसाद के भाजपा में जाते ही गाड़ियों से झंडों को उतारना पड़ा जो कि कई दशकों तक उनकी गाड़ियों पर लगे रहे थे। कांग्रेसियों ने कहा कि उनकी निष्ठा अपने नेता के साथ है और वह जहां जाएंगे उनके साथ वह लोग भी हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में जतिन प्रसाद के भाजपा में जाने के प्रयास बड़ी तेजी से उठे थे, लेकिन उस वक्त जतिन भाजपा में शामिल नहीं हुए। लेकिन आज राजनीतिक फेरबदल में जतिन के भाजपा में जाते ही शाहजहांपुर में कांग्रेसियों के सुर बदल गए। मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे सामने अवस्थी जी हैं। अवस्थी जी, किस तरीके का आप आज महसूस कर रहे हैं? आज हम लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि लगातार जो विगत कुछ सालों से कांग्रेस में माननीय जितिन प्रसाद की जो उपेक्षा की जा रही थी, आज उनके द्वारा लिए हुए निर्णय से उनके सभी समर्थकों को, समाज को बहुत खुशी महसूस हो रही है। और अब हम लोग समाज और अपने समर्थक सबके हितों की बात और मजबूती से रख पाएंगे, उठा पाएंगे। जितिन प्रसाद जी के बहुत खासम खास रहे, मिश्रा जी जिनसे हम बात करेंगे, आप इस समय कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि जो भारत सरकार के पूर्व मंत्री जितिन प्रसाद जी ने निर्णय लिया, वो निर्णय अपने लिए नहीं सिर्फ जनता के लिए लिया है, क्योंकि नेता का धर्म होता है जनता के लिए न्याय दिलाना। वर्तमान हालातों में वो अपनी बात किसी के समक्ष रख नहीं सकते थे, जनता को न्याय नहीं दिला सकते थे, नेता के हित की कोई काम नहीं कर सकते थे। तो यदि काम नहीं कर सकते तो फिर नेता बनने का कोई अर्थ नहीं है। तो उन्होंने आज जो एक निर्णय लिया है वो सिर्फ जनता के हित के लिए लिया है। शाहजहांपुर की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता, कि वो युवा हैं, एक बहुत पढ़े लिखे ब्राइट माइंड व्यक्ति हैं, तो जो वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जिससे युवाओं को रोज़गार, युवाओं को नौकरी, इस तरह से ये सब कुछ करने के लिए ही सिर्फ उन्होंने। लंबे समय तक कांग्रेस में रहे और उसके बाद भाजपा से विधायक बने मानवेंद्र सिंह आज बहुत खुश नजर आए। दरदौल क्षेत्र से भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह ने कहा कि जतिन प्रसाद का भाजपा में स्वागत है, भाजपा निसंदेह इससे मजबूत होगी। उधर कांग्रेसी नेता जतिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने पर शाहजहांपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे कौशल मिश्रा ने कहा कि जतिन प्रसाद जन जन के नेता हैं, उन्होंने हमेशा जनता की सेवा की है और जो भी फैसला लिया है वह जनता की सेवा के लिए ही लिया है। हम सब लोग उनके साथ हैं, वह हमारे नेता हैं, वह जहां रहेंगे वहां हम सब लोग भी रहेंगे। जनता के काम होना चाहिए। कांग्रेस में रहकर लगातार जतिन प्रसाद की उपेक्षा हो रही थी, अब जनता के काम भी आसानी से हो सकेंगे। जितिन प्रसाद जी के सहयोगी और शुभचिंतक हैं वो सारे सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में निश्चित शामिल हैं। शाहजहांपुर के लिए कितना खुशी का दिन है? शाहजहांपुर के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा खुशी का दिन है। शाहजहांपुर के लिए तो बहुत बड़ा खुशी का दिन है, लेकिन ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत खुशी का दिन है। कितना पुराना आपका साथ था और आज कितने दिनों बाद वापसी हुई आपकी यहाँ पर? हमारा तो बचपन से ही और पूरी जवानी भर साथ रहा और आज फिर भी 60 साल के हम ऊपर होने जा रहे हैं, हो रहे हैं, तो हमारा फिर पुनः साथ आज से शुरू हो गया है और यह जीवन पर्यंत रहेगा।